हेलो दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं कि रेल में एक एकम्पनी ड्यूटी होता है। ये एकम्पनी ड्यूटी का मतलब होता है कोई गाड़ी अगर सेक्शन में ट्रैवल करता है लेकिन उस गाड़ी फिर भी रनिंग में है लेकिन उसको अभी काम किया नहीं जाएगा, उस तरीके कुछ हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, इसीलिए उस गाड़ी में सुपरवाइजर स्टाफ को चढ़ा दिया जाता है, वो लोग उस गाड़ी में ट्रैवल करता है, इसलिए कि कुछ खराबी बढ़ सकते है तो उस दौरान गाड़ी को उस लोग रिपेयर करके उसके बाद में फिर से गाड़ी को चला सकते हैं। और इस तरीके के एक सेक्शन से और दूसरा सेक्शन को ये सौंप दिया जाते हैं, इसी तरीके से गाड़ी एक जगह से दूसरा जगह जाते रहते हैं। और एकम्पनी स्टाफ के काम होते हैं कि गाड़ी का स्थिति को परिदर्शन करते हुए गाड़ी को आगे तक लेके चलना। तो दोस्तों, मैं जिस गाड़ी में एकम्पनी चल रहे थे उस गाड़ी में एक एयर बेलो में कुछ प्रॉब्लम थे और उसी लिए हम लोग गाड़ी में चढ़े हुए थे, और उस प्रॉब्लम रहते हुए भी गाड़ी कितना स्पीड में चल रहे थे, जैसे कि 110-20 में केएमपीएच में चल रहे थे, लेकिन उस दौरान आपके एयर बेलो से जो आवाज़ निकल रहे थे हवा का, उसका मैंने वीडियो रखेंगे। और दूसरा बात है कि आज लेबोरेटरी का गेट का उस पोर्शन में कुछ वीडियो मैंने बनाया है, वो दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैंने वीडियो शुरू कर रहा है, अभी देख सकते हैं कि मेरा वीडियो चालू हो गया है कंपनी ड्यूटी का। और देखिए गाड़ी चल रही है कितना हाई स्पीड में, और एक स्टेशन पार ओवर हो रहे हैं, कम से कम 100 का ऊपर स्पीड होंगे इसका। और उस दौरान मेरा गाड़ी में से जो आवाज़ हो रहा है आप लोग सुन सकते हैं, हवा का जो बेलो का और जो फेल्योर है थोड़ा, उसमें से उस पास करके मैंने गेट का सामने खड़ा हुआ है। और रात भर मैंने उस गाड़ी का उसको ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, बेलो से आपका कुछ परसेंटेज हवा निकल रहे थे, इसीलिए मैंने कंपनी चल रहे थे गाड़ी में, लेकिन बेलो में से इतना कुछ खराबी नहीं हुआ कि गाड़ी को अभी मैं 60 के पेज पर चलाने का ऑर्डर दे सकते हैं। गाड़ी में थे इसलिए कि उस बेलो अगर कुछ भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं उस टाइम में हम लोग गाड़ी से उतर के उस काम करके और गाड़ी को फिर से हम लोग चलाने के लिए उस गाड़ी में हम लोगों का टेक्नीशियन उसमें मौजूद थे। देखिए रात के सीन कितना अच्छा होता है, चारों फैक्ट्री और मैंने इस तरीके के रात भर वीडियो बनाते हुए मैंने इस ऑब्जर्वेशन को चालू रखे है। ये ऑपरेशन मेरा चालू है, देखिए बेलो कुछ इस तरीके के से हुए थे, मैंने इस फोटो दिखा रहे हैं, ये एयर बेलो है, ये कुछ रीजन थोड़ा 19-20 हुआ था बस सिक्रेट हुआ था, इसीलिए इसमें से कुछ हवा लॉस हो रही थी और ज़्यादा अगर
के जरिए ये पानी इधर से निकलता है, सामने में आपको फ्रेश होने के लिए मिरर है। मैंने रात भर चलते हुए इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने सवेरा कर दिया है। चलिए अभी मैं कुछ सोचा था कि आपके जो यूज़ करते हैं उसके वीडियो दिखा रहा है। इधर तो है डोर हैंडल है, देख सकते हैं डोर हैंडल है लॉक। इधर नो स्मोकिंग का सिंबल दिया हुआ है। मैंने एक पोर्शन खोल रहा है, देख सकते हैं इस पोर्शन में आपका जो है शौचालय का अंदर में जो पुष्पा होते हैं जिसमें से ग्लास खोला जाता है, क्योंकि कल रूप में आपको पानी आते हैं इसका पास मेरा रखा हुआ है। इसमें प्रेशर भी आना रहता है और आप जब उसको पुश करते हैं और आपको कल रूप में आपको लैब का कल रूप में उस पानी आते हैं आपका जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए। इधर देख सकते हैं ये दो लाल पाइप, इधर एक आयुर्वेदिक कॉक है। इस कॉक से आप पानी को रोक सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होने से इसको रोक दीजिएगा। इस आयुर्वेदिक कॉक को एक पाइप दिया है, ऊपर का टैंक है आपका। ये आपका एक स्लीपर क्लास कोच है, इसलिए इसके ऊपर में टैंक रहेंगे जो कि एक टैंक आपका 500 लीटर का होंगे। उस पानी आप शौचालय में यूज़ करते हैं। इधर एक वाल्व है जो कि एयर प्रेशर से चलते हैं, नियंत्रित होते हैं। अभी देखेंगे आप जाके जो कि आपका लेवल पुश जो कि प्रेशर है ये कॉकपिट में देखिए पानी कैसे आ रहा है। इसमें हवा का और प्रेशर और वाटर तीनों रहते हैं और इसमें देखिए ये नदी क्लियर करने के लिए। इधर अभी पुश पंप देखिए, इधर बेसिन में पानी आ रहा है। ये वेंटिलेशन विंडो है, देखिए वेंटिलेशन विंडो है जहाँ की गैस आपको बाहर तरफ चले जाते हैं, क्योंकि गैस अंदर नहीं मिलता इसमें। अभी अपने एक्टिव में बैठने से देखिए एक मार्ग है वो चेन से क्योंकि चोरी हो जाता है, इसलिए चेन से बना हुआ है। उधर एक पुष्प का साथ में एक आपको डैम है वाटर का, इधर आपका हैंडल है पकड़ने के लिए। इधर आपका जो रैक है जिसमें आप कपड़ा कुछ रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए डोर लॉक है, ये आप इसमें लॉक है, दो किस्म का लॉक होता है इसमें, तीन किस्म की एक लॉक है। इधर आप डोर हैंडल अंदर का एक साइड वाला डोर हैंडल है। अभी इसमें मिरर दिया जाता है, देखिए मैंने इस मिरर में वीडियो बना रहे हैं। आप गाड़ी कितना जोर से हिल रहा है आपको पता होंगे कि गाड़ी कितना जोर से हिल रहा है। ऊपर में देखिए लाइट है गाड़ी में देखने के लिए, ट्यूबलाइट है क्योंकि एलईडी लाइट होता है, 110 वोल्ट में चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं और थोड़े देर में हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएंगे, इस गाड़ी को लेके हावड़ा को दे देंगे और उसके बाद में मेरा जिम्मेवारी ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रबल शूटिंग होता है इसके बारे में आप लोगों को कुछ मैं दिखा पाए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए, तब तक के लिए सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।